रेम ब्रेंडन इंटेग्रियो प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना की, जिन्होंने 1906 में मल्टी कलर ग्रेव्योर प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। इस आविष्कार के बाद ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से अपनाया गया। तो दोस्तों ये था इसका इतिहास। अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। दोस्तों इसका प्रिंसिपल बिल्कुल रिले प्रिंटिंग प्रोसेस के प्रिंसिपल जैसा ही है, जिसमें फिजिकल डिफरेंस बिटवीन इमेज एरिया एंड नॉन इमेज एरिया होता है, लेकिन इसमें इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया बिल्कुल उल्टे होते हैं। यानी कि इमेज एरिया जो हमारा होता है वो डिप्रेस होता है और जो नॉन इमेज एरिया होता है वो एक हाइट पर होता है। इसमें जो इंक अप्लाई होती है वो हमारे सेल्स में यानी कि इमेज एरिया में फिल होती है, साथ ही साथ नॉन इमेज एरिया पर भी अप्लाई होती है। लेकिन एक डॉक्टर ब्लेड असेंबली के द्वारा जो नॉन इमेज एरिया की एक्सेसिव इंक है, यानी कि जो इंक नॉन इमेज एरिया पर आ गई है, उसको वो रिमूव कर देती है हमारे इमेज कैरियर से। इसकी वजह से जो इंक बचती है वो सिर्फ हमारे इमेज एरिया पर बचती है और वही हमारे इंप्रेशन सिलेंडर के प्रेशर के बाद हमारे सबस्ट्रेट पर अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम आते हैं इसके प्रिंटिंग प्रोसेस पे। दोस्तों ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस के मेनली 5 कंपोनेंट हैं, जो कि हैं एनग्रेव्ड सिलेंडर, इंप्रेशन सिलेंडर, तीसरा इंक फाउंटेन, चौथा डॉक्टर ब्लेड असेंबली और पांचवा है हमारा ड्रायर। तो दोस्तों ये 5 कंपोनेंट ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस के मेन कंपोनेंट्स हैं। एक एक करके जानते हैं कि इनका काम क्या है ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में। तो दोस्तों एनग्रेव्ड सिलेंडर की बात करें तो एनग्रेव्ड सिलेंडर हमारा इमेज कैरियर होता है, जिस पर एनग्रेव्ड सेल्स होते हैं जो कि इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को डिसाइड करते हैं। इस इमेज कैरियर को एक होलो स्टील पर निकल की प्लेटिंग करने के बाद कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, जिसके ऊपर यानी कि कॉपर की प्लेटिंग के ऊपर एनग्रेविंग की मदद से हमारी इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया डिसाइड होता है। स्टील के होलो सिलेंडर पर जो निकल की कोटिंग की जाती है, यानी कि निकल की जो प्लेटिंग की जाती है, वो सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि जो हमारा कॉपर है, जो कॉपर है वो निकल के ऊपर डिपॉजिट हो सके और जो कॉपर की लेयर है वो हमारे सिलेंडर पे बन सके। क्योंकि कॉपर बहुत ज्यादा इंक रिसेप्टिव होता है, इसलिए कॉपर की इस पर कोटिंग की जाती है। ये सब होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। इसके बाद एक फाइनल जो लेयर इस पर बनाई जाती है वो होती है क्रोमियम लेयर। क्रोमियम लेयर क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि इस इमेज कैरियर के साथ में डॉक्टर ब्लेड लगातार एक कांटेक्ट में रहती है ताकि एक्सेसिव इंक निकाल सके, इसी वजह से डॉक्टर ब्लेड और जो हमारा इमेज कैरियर है दोनों में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी अगर क्रोमियम लेयर है वो डैमेज नहीं होती है, लेकिन अगर इसे क्रोमियम लेयर को हटा दिया जाए और सिर्फ कॉपर पे किया जाए तो कॉपर इससे कट सकता है, यानी कि हमारी इमेज जो है वो खराब हो सकती है। इसीलिए क्रोमियम की लेयर उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि जो हमारे सिलेंडर की सरफेस है वो डॉक्टर ब्लेड की वजह से डैमेज ना हो। तो दोस्तों ये हमारा इमेज कैरियर जो है वो 3 तरीके से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले लेजर एनग्रेविंग, जो कि आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा इसमें होता है केमिकल एचिंग, जो कि काफी पहले तक चलाया जाता था, आज भी काफी कुछ चलाया जाता है, लेकिन इसे अब बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा होता है डायमंड स्टाइलस, जो आज भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेजर एनग्रेविंग एक नॉन कॉन्टेक्ट फॉर्म एनग्रेविंग है, जिसमें लेजर बीम के द्वारा सिलेंडर पर इमेज बनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जब अगर हम बात करें केमिकल एचिंग की, तो केमिकल एचिंग में इस पर एक केमिकल की मदद से एचिंग की जाती है, इमेज एरिया में से जो हमारा कॉपर है वो हटाकर इसमें सेल्स बनाए जाते हैं। लेकिन केमिकल एचिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसमें नॉन इमेज एरिया भी इमेज एरिया के साथ ही है। नॉन इमेज एरिया को बचाने के लिए इस पर एक नेगेटिव फिल्म, जिसको हम रजिस्ट कहते हैं, वो अप्लाई की जाती है ताकि जो हमारा नॉन इमेज एरिया है उस पर केमिकल का कोई असर ना हो और सिर्फ हमारा इमेज एरिया जो है वो ही एचिंग हो सके। तीसरा दोस्तों डायमंड एनग्रेविंग होती है, जिसमें डायमंड स्टाइलस की मदद से हमारे इमेज एरिया की कटिंग होती है, यानी कि सेल्स जो है हमारे डायमंड स्टाइलस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया डिसाइड होती है। तो दोस्तों ये था हमारा इमेज करियर ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस का, कैसे बनता है और इसका क्या काम। तो दोस्तों अब दूसरा है हमारा इंप्रेशन सिलेंडर। इंप्रेशन सिलेंडर का जो मेन काम है वो है कि सब्सट्रेट जब इंप्रेशन सिलेंडर और इमेज करियर के बीच में से जब निकलता है तो उस पर प्रिंटिंग कैसे हो। इसी के लिए इंप्रेशन सिलेंडर एक प्रेशर अप्लाई करता है इमेज करियर और सब्सट्रेट पर, जिससे कि जो हमारा सबसेट है वो पूरी तरीके से कांटेक्ट में आ सके हमारे इमेज कैरियर के। जब ये कांटेक्ट में आ जाता है और इंप्रेशन सिलेंडर का हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो इमेज सेल जो सेल्स हमारे होते हैं, जो इमेज एरिया के सेल्स होते हैं, उनमें जो इंक हमारी भरी हुई होती है वो हमारी डायरेक्टली अप्लाई होती है हमारे सबसेट पर। सबसेट पर अप्लाई पूरी हो इसके लिए इंप्रेशन सिलेंडर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है।
इम्प्रेशन सिलेंडर पर रबर ब्लैंकेट अप्लाई किया जाता है क्योंकि जो हमारा इमेज कैरियर होता है वो एक मेटल का होता है, इसीलिए जो हमारा इम्प्रेशन सिलेंडर है उस पर एक ब्लैंकेट अप्लाई किया जाता है ताकि जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सबस्ट्रेट पर। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा इसमें इंक फाउंटेन, इंक फाउंटेन जिसमें हमारी इंक फिल की जाती है, साथ ही साथ उस इंक में हमारा इमेज कैरियर भी डिप किया जाता है ताकि जो हमारी इंक है वो इमेज सेल्स में अच्छे से फिल हो सके। इसके बाद दोस्तों इंक फाउंटेन में दो तरीके की इंक यूज की जाती है, एक होती है हमारी वाटर बेस्ड इंक, दूसरी होती है सॉल्वेंट बेस्ड इंक। वाटर बेस्ड इंक जल्दी सूखती नहीं है, इसके लिए ड्राई करने के लिए बहुत ज्यादा समय लेती है, इसीलिए आजकल ज्यादातर सॉल्वेंट बेस्ड इंक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी ड्राइंग कैपेसिटी बहुत फास्ट है। तो दोस्तों चौथा हमारा डॉक्टर ब्लेड, डॉक्टर ब्लेड की मदद से हम नॉन इमेज एरिया पर लगी हुई एक्सेसिव इंक जो होती है उसे वापस इंक फाउंटेन में भेज देते हैं, यानी कि जो नॉन इमेज एरिया पर इंक इमेज एरिया के साथ लग जाती है वो इंक डॉक्टर ब्लेड के द्वारा रिमूव की जाती है ताकि वो जो इंक है वो सबस्ट्रेट पर पास ना हो, सिर्फ इमेज सेल्स से ही जो हमारी इंक है वो ट्रांसफर हो हमारे हमारे सबस्ट्रेट पर। अब दोस्तों पांचवा हमारा है ड्रायर, दोस्तों ड्रायर की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रिंटिंग में। जब एक कलर से हमारा सबस्ट्रेट निकलता है तब उस कलर को सूखने के लिए बहुत कम समय यूनिट को मिलता है, जिसके लिए ड्रायर का टेम्परेचर सेट किया जाता है ताकि अगली यूनिट तक हमारा सबस्ट्रेट जब पहुंचे तो उसकी इंक जो है वो ड्राई हो चुकी हो और दूसरे यूनिट में दूसरा कलर अप्लाई हो सके, और जब दूसरे यूनिट से जब कलर अप्लाई होकर आगे जाता है तो तीसरे यूनिट से पहुंचने से पहले दोनों कलर ड्राई हो जाने चाहिए। ऐसे ही मल्टी कलर ग्रेव्यो प्रिंटिंग प्रोसेस में हर यूनिट पर एक ड्रायर होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रेव्यो प्रिंटिंग प्रोसेस के मेनली पांच कंपोनेंट। अब दोस्तों ये एक साथ वर्क कैसे करते हैं, सबसे पहले जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हमारा इमेज कैरियर जो है वो इंक फाउंटेन में डूबा हुआ है, इंक फाउंटेन में हमारी इंक फिल की हुई है, साथ ही इमेज कैरियर के साथ एक डॉक्टर ब्लेड असेंबली भी अप्लाई की गई है, उसके बाद ऊपर एक इंप्रेशन सिलेंडर है जिसके नीचे सबस्ट्रेट है, यानी सबस्ट्रेट जो है इंप्रेशन सिलेंडर और हमारे इमेज कैरियर के बीचों बीच। इंप्रेशन सिलेंडर से जो प्रेशर